Hello everyone, welcome back to Geeks for Geeks. So we are in the day 11 of our 25-day ML workshop, and I just hope till lecture 10 everything is clear to you, right? So lecture 10 tak humne kya discuss kiya hai? We have discussed about the basics of Python, right? Uske baad machine learning mein kuch bahut zyada basic things, और उसके अंदर अगर हम डेटा की बात करें बेसिकली, तो डेटा को हम कैसे पास करेंगे मशीन को, और मशीन को कैसे ट्रेन करेंगे कि वो कैसे उस डेटा को लर्न कर सके, एंड हाउ यू नो द मशीन कैन प्रिडिक्ट रिजल्ट्स. तो ये हमने अभी तक सिर्फ समझा है कि हम ये चीज़ें कैसे कर सकते हैं, राइट? उसके बाद जब मशीन चीज़ों को प्रिडिक्ट कर लेगी, सो वी हैव सीन दैट यू नो हाउ टू इवेल्युएट दैट मॉडल. तो इन दिस सेशन व्हाट वी हैव टू डू इज, जैसे मैंने आपसे बात की थी दैट द डेटा दैट आर पासिंग टू द मशीन दैट शुड बी एक्यूरेट, राइट? क्योंकि मशीन के पास कुछ ऐसी टेंडेंसीज होती हैं दैट यू नो वो कुछ डेटा को जल्दी याद कर लेते हैं, किसी डेटा को इग्नोर कर देते हैं, या फिर जैसे मैंने आपसे बात की थी डेटा नॉर्मलाइजेशन एंड ओवर सैम्पलिंग की, राइट? तो वही चीज़ें हमें आज डिस्कस करनी है. वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट डेटा नॉर्मलाइजेशन इन दिस सेशन. Fine. So before starting with it, I just want to make an announcement here that Geeks for Geeks is coming with a contest, that is Code to Contribute. So us contest mein kya hai that you'll be having a, like this will be a coding contest of 90 minutes. Fine. And it will be starting from 8th of May 7:30 PM and will go till 9th of May till 9 PM. इस टाइम स्पैन के बीच में आप कभी भी 90 मिनट्स का ये टेस्ट दे सकते हैं, एंड इसमें कोडिंग क्वेश्चंस ही होंगे, राइट? और कोडिंग क्वेश्चंस को इम्प्लीमेंट करने के लिए तो लैंग्वेजेस दैट यू कैन यूज इज C++, जावा एंड पाइथन. सो फॉर एवरी पार्टिसिपेशन, गीक्स फॉर गीक्स इन कोलैबोरेशन विद गिव इंडिया विल बी गिविंग अ फ्री मील टू अ फैमिली फॉर अ डे, ठीक है? और अगर आप उस टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं एंड इफ़ यू गेट योर रैंक इन टू टॉप 50, सो फॉर दैट ऑल्सो गीक्स फॉर गीक्स विल प्रोवाइड यू नो मील फॉर फुल वीक, वी कैन से, ठीक है? तो एक मतलब जो फैमिली जो होगी दैट विल बी नीड, सो गीक्स फॉर गीक्स विल प्रोवाइड दैट फैमिली विद फुल वीक मील, ठीक है? तो दैट विल बी अगेन फ्री, एंड ऑल्सो द कंटेस्ट इज ऑल्सो फॉर फ्री. तो उसको रजिस्टर मतलब आपको रजिस्टर करने के लिए ऑब्वियसली यू डोंट नीड टू स्पेंड एनी मनी, ठीक है? वो फ्री है, सो डू रजिस्टर फॉर दैट इफ़ यू आर कम्फर्टेबल इन द लैंग्वेजेस C++, जावा एंड पाइथन. So now let's start with it. So as I have told you that in this session we need to discuss about data normalization, right? तो data normalization में होता क्या है basically? मैंने आपको एक basic idea तब भी दिया था that in data normalization what we'll be doing is आपके पास जो भी data जो आपको machine को भेजना है, ठीक है, उस डेटा के अंदर बहुत सारी वी कैन से कुछ आउटलायर्स या फिर इम्प्योरिटीज या फिर इनएक्यूरेसी होती है जो कि आपको करेक्ट करनी होती है, राइट? तो उसके लिए वी यूज डेटा एनालिसिस, ठीक है, जिसकी हेल्प से आप यू नो उस डेटा को एक्यूरेट कर सकते हैं. तो उसका हमने एक एप्लीकेशन मतलब हमने देखा था कि हाउ वी कैन एनालाइज द डेटा दैट वॉज यूजिंग द लाइन प्लॉट्स, ठीक है? अब डेटा नॉर्मलाइजेशन क्या होता है ना, दिस इज़ अ डेटा प्री प्रोसेसिंग टेक्निक, ठीक है? कि जब भी आपके पास ना कुछ लीनियर काइंड ऑफ डेटा है या फिर जिस पे आपको कोई लीनियर एल्गोरिथम लगाना है काइंड ऑफ मतलब अगर हम बात करें सपोर्ट वेक्टर रिग्रेशन की, मान लो अगर आपको वो चीज़ अप्लाई करनी है तो उस केस में मे बी आप ना कर पाओ, लेकिन डेटा की अगर आप सिर्फ बात कर रहे हो ना, तो डेटा अगर आपके पास है तो उस पर तो आप लगा ही सकते हो ना कुछ भी, ठीक है? तो डेटा प्री प्रोसेसिंग का बस इतना ही मतलब होता है कि आप अपने डेटा को चेंज कर देते हैं किसी और फॉर्म में, ठीक है, उसको प्रोसेस करते हैं बेसिकली, ताकि वो जो आपकी मशीन हो उसके लिए ज़्यादा केपेबल हो, ताकि मशीन उसको ज़्यादा अच्छे से लर्न कर पाए. फाइन, तो डेटा नॉर्मलाइजेशन में क्या होता है, बेसिकली यू नॉर्मलाइज योर डेटा, यू नॉर्मलाइज योर डेटा इन अ गिवन रेंज. लाइक अगर मैंने आपको बोल दिया से फॉर एग्जाम्पल यू हैव अ डेटा दैट हैज़ अ नंबर ऑफ रोज एंड सम नंबर ऑफ कॉलम्स इनसाइड इट, तो मान लो उसके पास ये कॉलम्स हैं A, B, C एंड D, ठीक है, और उसके अंदर ये रोज हैं 0, 1, 2 एंड 3, ठीक है? अब इसमें कुछ भी वैल्यूज यहाँ पे रखी हैं, लेट्स से दिस इज़ 1, दिस इज़ 2, दिस इज़ लेट्स से 100, दिस इज़ 9, हियर यू हैव 1000, हियर यू हैव 9000, लेट्स से दिस इज़ 81000 एंड दिस इज़ 2, 5,
ठीक है, यहाँ पे कोई आउटपुट कॉलम है आपका, उसमें कुछ भी आपके पास यहाँ पे आउटपुट्स रखे हैं, ठीक है। सिर्फ एग्जांपल, दिस इज योर डेटा हेयर। अब इस डेटा को अगर आप नोटिस करोगे तो इसमें कुछ वैल्यूज आर वेरी स्मॉल एंड सम ऑफ द वैल्यूज आर वेरी लार्ज, राइट। आप यहाँ पे देख सकते हैं ना, द डेटा मतलब हम सिर्फ इन इन चीज़ों की बात कर रहे हैं। जब भी हम डेटा नॉर्मलाइजेशन लगाएंगे सिर्फ इतने पार्ट पे ही लगाएंगे, लाइक ऑन द फीचर वेरिएबल सेट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो व्हाट यू कैन सी इज ए बी सी डी के अंदर जो वैल्यूज जो हैं आपके डेटा सेट के अंदर, कुछ वैल्यूज बहुत ज़्यादा छोटी हैं, कुछ वैल्यूज बहुत ज़्यादा बड़ी हैं। तो इन वैल्यूज को हम क्या करते हैं, वी नॉर्मलाइज दीज वैल्यूज इन अ गिवन रेंज। जैसे हमने बोल दिया कि ये सारी वैल्यूज ना रेंज लेट्स से -1 to 1 में आ जानी चाहिए, ठीक है। तो ये जितनी भी वैल्यूज होंगी हम उसको नॉर्मलाइज कर देंगे। नॉर्मलाइज करने के तरीके हम विल चेक दैट आउट, ठीक है। लेकिन अभी के लिए बस ऐसे समझो कि हम इसको किसी ना किसी तरह ले आएंगे, ठीक है, इस रेंज में। अब ये इस रेंज में हमें लाना क्यों होता है, वी नीड टू डू दिस बिकॉज आपकी जो मशीन होती है, जैसे मैंने बताया था कि ये हर चीज़ को ना एक डिफरेंट तरीके से याद करती है। अगर आप बात करोगे कि आपकी जो मशीन है, इफ़ आपने एक डेटा भेज दिया जिसमें बहुत लेट्स से डाइवर्स काइंड ऑफ वैल्यूज हैं, सम ऑफ द वैल्यूज आर वेरी लार्ज एंड सम ऑफ द वैल्यूज आर वेरी स्मॉल, सो इन दैट केस व्हाट हैपेंस इज मशीन विल ट्राई टू लर्न द लार्जर वैल्यूज फर्स्ट एंड विल इग्नोर द स्मॉलर वैल्यूज। तो अगर हम इसमें बात करेंगे, 81 के वाली चीज़ को बहुत जल्दी याद कर लेगी, 9 के वाली चीज़ को बहुत जल्दी याद कर लेगी, 1100 इन चीज़ों को ना बहुत जल्दी याद करेगी, सबसे पहले इस चीज़ को याद कर लेगी, राइट। देन इट विल गो टू दिस वन, देन दिस, देन दिस। उसके बाद उसका जितना जिसे हम अगर बात करें, हमारी कुछ कैपेबिलिटी होती है चीज़ों को याद करने की, राइट। तो एक पॉइंट के बाद आप सैचुरेट हो जाते हो, उसके बाद आप कुछ भी याद नहीं कर पाते। सिमिलरली यहाँ पे होता है, मशीन जितना याद कर सकती है ना, वो उतना याद करती जाती है जहाँ तक उससे याद हो सकते हैं, उसके बाद स्मॉलर वैल्यूज़ को वो इग्नोर कर देती है। बट वी डोंट वॉन्ट दिस, मतलब ऐसा भी हो सकता है ना कि यार मेरा मेरा जो डेटा था उसमें ऐसी ही होनी चाहिए वैल्यूज़ की, कुछ वैल्यूज़ बहुत बड़ी, कुछ वैल्यूज़ बहुत छोटी, पर मशीन क्या कर रही है, वो तो वैल्यूज़ को इग्नोर कर रही है बेसिस ऑन द साइज ऑफ दैट वैल्यू, कि कितनी बड़ी वैल्यू आपके पास है। बट वी डोंट वॉन्ट दिस टू हैपन, सो द सोल्यूशन हियर इज डेटा नॉर्मलाइजेशन, दैट वी नॉर्मलाइज आर डेटा इन अ गिवन रेंज, सो दैट द मशीन व्हेन इट विल ट्राई टू लर्न समथिंग, इट विल नॉट वी कैन से पार्शिएट बिटवीन द वैल्यूज, ठीक है। जो भी वैल्यूज होंगी, जैसे भी वैल्यूज होंगी, उनको सबको कंसिडर करके इट विल रिटर्न यू विद एन आउटपुट, फाइन। सो उसके लिए हमें डेटा नॉर्मलाइजेशन की जरूरत पड़ती है। अब ये तो बात थी दैट वाई डू वी नीड टू हैव इट, राइट। सो जस्ट रिमेंबर दिस थिंग दैट मशीन्स हैव अ टेंडेंसी टू लर्न द लार्जर वैल्यूज फर्स्ट इंस्टेड ऑफ गोइंग विद द स्मॉलर वैल्यूज। सो वट वी ट्राई टू डू इज वी ट्राई टू नॉर्मलाइज द डेटा सेट इन अ गिवन रेंज इन सच अ वे बेसिकली दैट द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यूज इज नॉट दैट मच ग्रेट, ताकि मशीन जो है वो पार्शिएट ना कर पाए वैल्यूज के बीच में, ठीक है। सो अब हम क्या करते हैं, ये तो बात हो गई सॉरी कि हमें लगाना क्यों है डेटा नॉर्मलाइजेशन, राइट। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि लगाओगे कैसे डेटा, अगर नॉर्मलाइज करना है तो इसको कैसे करोगे नॉर्मलाइज। तो उसके लिए भी आपके पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं। सिर्फ फॉर एग्जांपल, इफ़ यू हैव द सीरीज, आपके पास एक कोई पैंडा सीरीज है, इसमें यू हैव 1, 9, 1000 एंड लेट्स से दिस इज 1600 और 16000, ठीक है। ऐसा आपके पास कुछ डेटा है, इस पे आपको डेटा नॉर्मलाइजेशन लगाना है। तो उसको मतलब डेटा को नॉर्मलाइज करने के लिए भी बहुत सारे मेथड्स होते हैं, बट वन ऑफ द मोस्ट फेमस मेथड इज मीन नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। आप जो आपको जो सीरीज मिलेगी उसका मीन आप निकाल लेते हो, एंड बेसिस ऑन दैट व्हाट यू ट्राई टू डू इज यू ट्राई टू नॉर्मलाइज द वैल्यूज, ठीक है। तो मीन नॉर्मलाइजेशन मैथड में आप बेसिकली यही करते हो कि जो भी आपके पास वैल्यूज होंगे इन द सेट, बेसिस ऑन दोज वैल्यूज विल ट्राई टू फाइंड द मीन, और उसके बाद आप उन पे नॉर्मलाइजेशन लगाओगे। अब मीन निकाल के ऑब्वियसली यहाँ पे हर जगह पे मीन तो नहीं रख सकते, राइट। कि मैंने यहाँ पे मीन निकाला, लेट्स से कुछ भी आ गया 500, 600 और मैंने सारी वैल्यूज को रिप्लेस कर दिया उससे, दिस इज नॉट अ गुड आइडिया, राइट। आपको ये करना भी नहीं चाहिए, यू शुड नॉट टेक दिस इन टू प्रैक्टिस। वाई, क्योंकि फिर तो हर कॉलम की, हर रो की सारी वैल्यू सेम हो जाएंगी, फिर तो मशीन सारे आउटपुट्स ही सेम देगी ना। वो उसने क्या याद किया कि यार 600 600 600 600 पे द आउटपुट इज़ जीरो,
अगेन सेम वैल्यू सेट पे द आउटपुट इज वन, फिर कभी जीरो आ रहा है कभी वन आ रहा है, तो उसने याद क्या किया इसमें? उसने तो बस ये याद किया कि कुछ भी दे दो, क्या ही दोगे, 600 600 600 एंड 600 का एक सेट दे दोगे, एंड यू जस्ट नीड टू लाइक आई जस्ट नीड टू प्रेडिक्ट जीरो और वन देयर, है ना? तो वो रैंडमली आपको कुछ भी उठा के दे देगा, क्योंकि उसको याद तो एक्चुअली कुछ भी नहीं हुआ, है ना? इट विल बी लाइक अ पजल फॉर द मशीन. जैसे मैंने आपको बोल दिया कि अगर मैं आपको वन बोलूँ ना तो आप हाई बोलना, ठीक है? अगर मैं आपको टू बोलूँ तो हाई बोलना, अगर मैं आपको थ्री बोलूँ तो हाई बोलना, ठीक है? तो आपने क्या याद किया कि यार कुछ भी बोलो मेरे को ना हाई बोलना है यहाँ से, राइट? तो ये ना कुछ इसी तरीके की चीज़ हो गई. अब इसका अगर आप अपोजिट कर दोगे कि यार अगर मैं हाई बोलूँ ना तो वन बोलना, फिर आपने उसी इंसान को फिर से बोल दिया अगर मैं हाई बोलूँ तो टू बोल देना, अगर मैं हाई बोलूँ तो थ्री बोल देना. अब इसने क्या याद किया यहाँ पे कि यार कुछ भी बोलेगी, सिर्फ हाई ही बोलेगी, लेकिन मेरे को कुछ भी रैंडम रिटर्न करना है आउट ऑफ वन टू और थ्री, है ना? आप यही चीज़ समझोगे ना इससे. तो इसलिए हम मीन वैल्यू तो उठा के यहाँ पे नहीं रख सकते. तो इसके लिए भी एक फॉर्मूला डिटरमाइंड है. सो द फॉर्मूला इज, व्हाट यू डू इज, जो भी आप यहाँ से वैल्यू निकालोगे, ठीक है, नॉर्मलाइजेशन वैल्यू आपकी जो भी आएगी, लाइक से दैट इज द मीन वैल्यू, ठीक है, मैं उसको अभी के लिए मीन रख रही हूँ यहाँ पे. तो आप क्या करोगे कि जैसे आप ना वन का नॉर्मलाइजेशन निकाल रहे हो, सो व्हाट विल बी द सोल्यूशन हेयर? सो द नॉर्मलाइजेशन फॉर वन वुड बी, इट वुड बी वन माइनस द मीन वैल्यू अपॉन इस पूरे सेट में जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू है माइनस द मिनिमम वैल्यू. लाइक इन दिस केस इट विल बी 16,000 माइनस वन, ठीक है? तो पूरे सेट की मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू, ठीक है? ऐसे जब आप एन टू के लिए करोगे, मतलब इस वाली चीज़ के लिए, या फिर इसको हम एन नाइन ले लेते हैं, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, इंस्टेड ऑफ वन दिल बी नाइन, ठीक है? मीन तो पूरे इसका सेम ही रहेगा और मैक्सिमम मिनिमम भी पूरे सेट का सेम ही रहेगा, आप उसको भी चेंज नहीं कर सकते. सो अगेन यू विल डू द सेम थिंग. फिर जब आप एन थाउजेंड का निकालोगे, सो अगेन यू विल डू द सेम थिंग, थाउजेंड माइनस मीन अपॉन मैक्स माइनस मिन, राइट? ऐसे ही अगर मैं बोलूँ यू हैव टू फाइंड एन 16,000, तो आप क्या करोगे, 16,000 माइनस मीन अपॉन मैक्सिमम माइनस मिनिमम, राइट? दिस इज व्हाट विल डू. अब यहाँ पे एक चीज़ आ जाती है कि यार आपके पास ना सारी चीज़ें कॉमन है, मीन हर बार कॉमन है, ये वाली चीज़ हर बार कॉमन है, तो अगर मैं इसको जनरलाइज करके लिखूँ ना, सो दिस विल बी एन वैल्यू इक्वल्स एन वैल्यू माइनस द मीन वैल्यू अपॉन द मैक्स वैल्यू माइनस मिन वैल्यू, राइट? यही बोलेंगे ना हम अगर जनरलाइज करने की अगर मैं बात करूँ. सी हर बार यही चीज़ आ रहा है, जब वैल्यू वन है सो डूइंग एन वन इक्वल्स वन माइनस, सॉरी दिस शुड बी वैल्यू ओनली, सो यू आर डूइंग वैल्यू माइनस मीन, दैट इज वन माइनस मीन अपॉन मैक्स माइनस मिन, राइट? व्हेन वैल्यू इज नाइन, सो इट इज एन नाइन इक्वल्स नाइन माइनस मीन अपॉन मैक्स माइनस मिन. व्हेन वैल्यू इज थाउजेंड, सो इट इज एन थाउजेंड इक्वल्स थाउजेंड माइनस मीन अपॉन मैक्स माइनस मिन, राइट? तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, डेटा को नॉर्मलाइज करते हैं इन अ गिवन रेंज. तो ये चीज़ हम ना यहाँ पे करके देखते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई एम डूइंग इज, जस्ट गिव मी अ मिनट. ओके, तो हमें सबसे पहले आप, हमने जो जो चीज़ें डिस्कस की हैं, सबसे पहले आपको एक पैंडा सीरीज बनानी है, राइट? सो लेट्स से जो पैंडा सीरीज जो मैं बना रही हूँ, लेट्स से दैट पैंडा सीरीज है, उसका नाम हम ले लेते हैं पी. सो लेट्स से इट इज पी डी डॉट एंड इनसाइड सीरीज वुड बी कैपिटल एस, राइट? फिर आप ब्रैकेट्स में यहाँ पे आपको, हम क्या करें, एक लिस्ट को सीरीज में कन्वर्ट करें, उसके लिए वी आर यूजिंग द सीरीज फंक्शन, ठीक है? तो यहाँ पे लेट्स से आई हैव पास्ट वन कोमा नाइन कोमा 200 कोमा, लेट्स से दिस इज 1000 कोमा 500, ठीक है?
Now what you need to do here is you need to apply the mean normalization method. तो सबसे पहले what we'll do is ये तो आपकी सीरीज बन गई, इसको प्रिंट ही करके देख लेते हैं एक बार. Oh, we have not imported pandas. We need to import pandas also in the beginning. Now it should give correct results. Yeah. तो इसने यहाँ पे सीरीज यहाँ पे बना दी और प्रिंट भी करा दी इन द आउटपुट, राइट. अब मैंने एक नया कोड सेगमेंट इंसर्ट किया. अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव टू पुट द मीन नॉर्मलाइजेशन मैथड, राइट. तो इसके लिए आप क्या करोगे, सी आपको अगर मीन नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करना है ऑन योर डेटा, तो उसके लिए वी हैव लाइक वी हैव टू क्रिएट अ फंक्शन ऑन आर ओन, ठीक है. तो फंक्शन में आपको करना तो कुछ भी नहीं है, वो चीज़ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके ना. तो लेट्स से आई हैव क्रिएटेड दिस फंक्शन हियर, तो हम मीन नॉर्मलाइजेशन निकाल, लेट्स से इट इज़ मीन एंड लेट्स से इट इज़ फन, ठीक है. मीन फंक्शन, इसके अंदर क्या पास करोगे, इसके अंदर आप पास करोगे जो आपकी सीरीज है जिसके आप बात कर रहे हो, वो आपने लेट्स से यहाँ पे पास कर दी, ठीक है. सो लेट्स से आई एम सेइंग दिस इज सीरीज हियर, ठीक है. अब आपको क्या करना है, क्या क्या आपको कैलकुलेट करना है, यू हैव टू कैलकुलेट मीन, मिनिमम एंड मैक्सिमम. तो एक सीरीज का मिनिमम, मैक्सिमम और मीन निकालना इज नॉट डिफिकल्ट, राइट. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हाउ विल डू दिस. तो उसके लिए आपको क्या करना है, सिर्फ लेट्स से आई हैव टेकन ए एंड इनसाइड ए आई एम स्टोरिंग द मीन वैल्यू. तो वो मीन वैल्यू स्टोर करने के लिए आपको क्या करना है, इफ यू आर यूजिंग पैंडास, यू जस्ट नीड टू डू दिस थिंग ना, कि जो भी आपकी सीरीज है, सो यू विल जस्ट डू सीरीज डॉट मीन, राइट, एंड देन पुट ब्रैकेट्स. ऐसे ही आप क्या करोगे, बी में आपने जाके स्टोर कर लिया सीरीज डॉट, लेट्स से अभी आप मैक्स स्टोर कर रहे हैं, देन इनसाइड सी यू हैव सीरीज डॉट, लेट्स से दिस इज मिनिमम, ठीक है. ये ए बी सी में हमने स्टोर कर लिया, या फिर अगर आप इनके वेरिएबल्स नेम्स अगर ढंग से लेना चाहें, मीनिंगफुल लेना चाहें, तो इसको आप ले लो मीन, ठीक है, इसको ले लो मैक्स, इसको ले लो मिनिमम, ठीक है. इस टाइप से हमने ले लिया. अब आपको क्या करना है, यू हैव टू फाइंड द नॉर्मलाइज्ड वैल्यू. तो मैंने ले लिया नॉर्म इक्वल्स, जो भी आपकी सीरीज का जिस कैरेक्टर की अभी हम बात कर रहे हैं, मतलब जिस पर्टिकुलर वैल्यू की हम बात कर रहे हैं, वो माइनस द मीन वैल्यू, राइट. तो मीन वैल्यू इज इनसाइड मीन इटसेल्फ अपॉन द मैक्सिमम वैल्यू माइनस द मिनिमम वैल्यू, राइट. उसके बाद इन द एंड यू जस्ट नीड टू रिटर्न नॉर्म, ठीक है. तो वो आपको पूरी सीरीज को नॉर्मलाइज करके दे देगा. अब यहाँ पे अगर आप देखोगे सीरीज में क्या था, आपके पास ये पूरी चीज़ थी 1, 9, 200, 1000 एंड 500, राइट. अब आप बोलोगे कि यार आपने तो यहाँ पे पूरी सीरीज ही पास कर दी. एक्चुअली ऐसे नहीं होता, ये चीज़ ना वन बाय वन चलेगी, खुद से पहले वन ले लेगा, फिर उसका निकाल देगा, फिर वो नौ में जाके स्टोर हो गया, फिर नाइन ले लेगा, फिर 200, 1500, ये ऐसे ही करेगा. तो वो मतलब वो वाली चीज़ आपको खुद से हैंडल करने की एक्चुअली ज़रूरत है ही नहीं, फाइन. तो यही फंक्शन हमें क्रिएट करना है, सो लेट्स क्रिएट दिस फंक्शन हेयर, ठीक है. सो लेट्स टेक इट एज आई एम सेइंग def mean underscore func. इसके अंदर लेट्स से द सीरीज आई एम टेकिंग इज SER, ठीक है. नाउ इनसाइड m आई एम स्टोरिंग द मीन, सो इट विल बी SER डॉट मीन. देन इनसाइड maxi आई एम स्टोरिंग द मैक्सिमम वैल्यू, सो इट विल बी SERE डॉट मैक्स, देन ब्रैकेट्स. देन इनसाइड mini आई एम स्टोरिंग द मिनिमम वैल्यू, सो इट इज़ लाइक दिस, ठीक है. इसके बाद आपको सिर्फ नॉर्मलाइज वैल्यू निकालनी है, सो लेट्स से हम टेक इट इज एन. यहाँ पे भी हम प्रॉपर स्पेसेस मेंटेन कर लेते हैं, ठीक है. एन इक्वल्स, अब आपको क्या करना है, यू हैव टू डू सीरीज जो भी है आपकी SER माइनस एन, सॉरी इट इज एम डिवाइड, इट इज मैक्सी माइनस मिनी, राइट. तो ये चीज़ हमें बेसिकली करनी है. अब यहाँ पे दिस इज समथिंग दैट यू ऑलरेडी नो, बचपन से आप ये चीज़ पढ़ते आ रहे हैं,
ब्रैकेट्स प्रॉपर आपको बोर्ड मास मतलब फॉलो करना ही पड़ेगा, तो ब्रैकेट्स यहाँ पे हम यूज़ करेंगे, वरना वो एम को मैक्स से डिवाइड कर देता, हमें ये पूरी चीज़ से डिवाइड करनी है, राइट? देन वी हैव टू रिटर्न एन। तो ये तो आपका फंक्शन बन गया, आप इस फंक्शन को हम अप्लाई कर लेते हैं ऑन आर सीरीज, राइट? तो यहाँ पे लेट्स आई एम कॉलिंग दिस फंक्शन, दैट इज़, सबसे पहले तो आप सीरीज में एक सीरीज बनाओ, व्हाट इज़ द सीरीज नेम? ओके, इट इज़ पी हियर। तो इस चीज़ को उठा के मैं फिर से या तो यहीं से ले लो, या फिर मैं बस इसको यहाँ पे इसलिए पेस्ट कर रही हूँ ताकि आपको एक साथ पूरी चीज़ दिख जाए कि मैंने ये वाली सीरीज ली थी। देन इनसाइड मेन फंक्शन, लाइक मैंने ये कॉल किया एंड यू हैव टू पास पी इनसाइड इट एंड देन इट स्टोर इट इनसाइड एन एंड देन प्रिंट एन, ठीक है? चलो रन करके देखते हैं एक बार, फिर मैं आपको बताती हूँ यहाँ पे एक्चुअली क्या हो रहा है। सीरीज हैज़ नो एट्रीब्यूट मिन, ओके सो सॉरी, दिस शुड बी मिन ओनली। ओके, तो अब हम देखते हैं हमने क्या किया यहाँ पे। ये फंक्शन तो वही है, कुछ भी नहीं कर रहा है, सिर्फ नॉर्मलाइजेशन ही अप्लाई कर रहा है, ठीक है? आपने क्या किया है इस वाले पार्ट में, यू हैव जस्ट डन दिस थिंग कि जो आपकी सीरीज थी, क्योंकि इसको एक सीरीज चाहिए ना, तो वो सीरीज हमने पी ले ली, ठीक है? तो जब आप फंक्शन को कॉल करोगे, सो इंस्टेड ऑफ दिस सीरीज यू हैव टू पास पी, राइट? सेम चीज़ हमने की है कि इंस्टेड ऑफ सीरीज वी हैव पास पी हियर वाइल कॉलिंग द फंक्शन, और जो भी यहाँ से नॉर्मलाइज होके जो एन में जो वैल्यू आएगी जब आप रिटर्न करोगे इसको, वो आके हमने यहाँ पे एन में स्टोर कर लिया एंड देन वी आर प्रिंटिंग एन। तो वैल्यूज, पहले वैल्यूज क्या थे आपके पास? इनिशियली द वैल्यूज वर 1, 9, 200, 1500, है ना? अब आपके पास वैल्यूज क्या आ गई? वैल्यूज आर -0.341341। ये पूरी वैल्यूज मैं नहीं लिखूंगी, इट इज लाइक 0.33, देन -0.14, 0.65 एंड 0.158, ठीक है? तो ये वैल्यूज देखूँ मैं कितना ज़्यादा डिफरेंस है, 1,200, 500, 9, और इन ये जो वैल्यूज हैं सारी, दीज आर इन द रेंज -1 से लेके 1 तक, सारी वैल्यूज आपकी कवर हो गई, राइट? तो मतलब डेटा को तो नॉर्मलाइज कर लिया। अब एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं कि जो वैल्यूज हमें मिली हैं ये वैल्यूज करेक्ट हैं या नहीं है। सो फॉर दैट आई एम इंसर्टिंग अ न्यू कोड, ठीक है? इस कोड में मैं क्या करूँगी, अब ना हम इनको मैनुअली निकाल के देखते हैं ताकि एक बार हम देख लें कि जो फंक्शन हमने बनाया था उसमें हमने कोई गलती नहीं की, ठीक है? सो अगर आप वन का, अगर आपको नॉर्मलाइज वैल्यू निकालनी है थ्रू द मीन नॉर्मलाइजेशन मैथड, सो व्हाट विल डू इज, सो आई एम टेकिंग इट एज एन वन इक्वल्स इनसाइड ब्रैकेट्स 1 माइनस। अच्छा, सबसे पहले तो आपको मीन वैल्यूज वगैरह चाहिए होंगे, सो आई एम जस्ट डूइंग, ठीक है, बस इसको ना पी से रिप्लेस कर देते हैं क्योंकि पी तो ऑलरेडी हमें पता ही है कि पी में क्या स्टोर्ड है। फिर हम वन बाय वन करके पांचों वैल्यूज निकालेंगे। नाउ लेट्स इंसर्ट अ न्यू कोड सेगमेंट एंड आई एम डूइंग एन वन इक्वल्स, क्या होगा, 1 माइनस ब्रैकेट्स में होगा 1 माइनस एम डिवाइड मैक्सी माइनस मिनी, राइट? And now let's print the value of n1 here. The value should be -0.341341. ठीक है, तो यहाँ पे ये वाली वैल्यू भी आप देख सकते हैं, दिस इज ऑल्सो -0.341341, ठीक है? इट्स जस्ट दैट ये डेसिमल के बाद सिर्फ 6 डिजिट्स तक दिखा रहे हैं, आपको पूरी वैल्यू दिखा रहे हैं, है ना? तो पहली वैल्यू तो क्रॉस चेक हो गई, अब ऐसे ही दूसरी वैल्यू क्रॉस चेक करते हैं। तो अब हम करेंगे 9 के लिए, so you just need to change this thing, n 9 equals 9 minus, okay, so this should be -0.3333, you can see this thing, ठीक है? अब इसके बाद आप क्या करोगे, you have to do it for 200, 1500, ठीक है? तो ये एक बार तीनों कर लेते हैं, फिर तीनों को एक साथ ही क्रॉस चेक कर लेंगे। आपको बस यहाँ से वैल्यू चेंज करनी है, सो इट इज़ 200, दिस इज 200 एंड दिस शुड ऑल्सो बी 200, देन दिस शुड बी 1000,
दिस शुड ऑल्सो बी 1000 एंड दिस शुड बी 1000. ऐसे यहाँ पे दिस शुड बी 500, दिस शुड बी 500 एंड ठीक है, इनको रन करते हैं तीनों कोड्स को. तो जब वैल्यू 200 है उसके कोरस्पॉन्डिंग इट शुड बी 0.1421. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे इट इज़ ऑल्सो, यहाँ पे देखो दिस इज 0.1421 वाली वैल्यू ही आ रही है 200 के कोरस्पॉन्डिंग. आफ्टर दैट इट शुड बी 0.658 काइंड ऑफ फॉर 1000 एंड 0.158 फॉर 500. सो इट इज 0.658 फॉर 1000 एंड 0.158 फॉर 500. मतलब जो फंक्शन हमने बनाया है दैट फंक्शन इज एब्सोल्यूटली करेक्ट. तो जस्ट रिमेंबर दिस फंक्शन. ठीक है, जब भी आपको नॉर्मलाइजेशन लगानी है तो आप ऑब्वियसली ये वाली चीज़ यू विल नॉट प्रैक्टिस दिस थिंग, राइट? ये तो सही नहीं है ना, ये तो सही तरीका नहीं है. सो वॉट यू कैन डू इज यू कैन जस्ट यूज दीज थिंग्स देयर. ठीक है, डायरेक्टली आप ये मतलब फंक्शन बस ये याद रखो, अपने माइंड में रखो, डायरेक्टली इस फंक्शन को यूज़ करो एंड योर डेटा विल बी नॉर्मलाइज. ठीक है, अब बात करते हैं कि डेटा तो आपका नॉर्मलाइज हो गया. ठीक है, या सो आई वॉज सेइंग दैट डेटा तो आपका नॉर्मलाइज हो गया. नाउ लेट्स से आपके पास एक पूरा डेटा सेट है. ठीक है, आपको वो उस पर अप्लाई करना है, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ता है? यू हैव सम नंबर ऑफ कॉलम्स. ठीक है, आपके पास कुछ नंबर ऑफ रोज हैं, इस पर आपको नॉर्मलाइजेशन अप्लाई करना है. अभी तक तो सिर्फ आपके पास 1D डेटा था ना, अब आपके पास ये 2D डेटा आ गया, इस पर कैसे अप्लाई करोगे? सो इस पर अप्लाई करना इज नॉट डिफिकल्ट. जब आपने फंक्शन क्रिएट कर लिया, सेम फंक्शन ही क्रिएट होगा, पर इस पूरी चीज़ पे अगर आपको अप्लाई करना है तो उसके लिए यू हैव अ अप्लाई फंक्शन. उसको आप यूज़ कैसे करते हैं? यू यूज़ इट लाइक दिस. जो भी आपका डेटा फ्रेम है उसका नाम यहाँ पे लिख दो, डॉट अप्लाई. ठीक है, ब्रैकेट्स में जाके जो आपका फंक्शन नेम है दैट इज़ मीन अंडरस्कोर फंक इन आर केस. ठीक है, इसके बाद जैसे फंक्शन में हर बार ब्रैकेट्स होते हैं बाद में, वो आपको नहीं अप्लाई करने. अब यहाँ पे यू टेक अ पैरामीटर दैट इज एक्सेस की वैल्यू, इट कैन बी इधर 0 और 1. ठीक है, तो 0 कब होगी और 1 कब होगी? 0 तब होगी जब आप अपने डेटा पे जो नॉर्मलाइजेशन है वो लाइक फॉर 0 यू विल बी अप्लाइंग इट वर्टिकली एंड फॉर 1 यू विल बी अप्लाइंग इट हॉरिजॉन्टली. ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ आप वर्टिकली अप्लाई करो, वर्टिकली मतलब ऐसे, मतलब आप एक एक कॉलम उठा रहे हो उसके ऊपर आप नॉर्मलाइजेशन अप्लाई कर रहे हो. ठीक है, जैसे ए पे कर दिया, फिर बी को कर दिया नॉर्मलाइज, फिर सी को कर दिया, फिर डी को कर दिया एंड फिर आउटपुट. आउटपुट वाले को नहीं करना नॉर्मलाइज. आउटपुट वाले को नॉर्मलाइज करोगे तो दिक्कत हो जाएगी. क्यों? क्योंकि रिजल्ट्स तो हमें वही चाहिए ना. अब जैसे मान लो आपके पास कोई एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन को रिजल्ट देना है गुड और बैड, और वो आपको नॉर्मलाइज करके मान लो 0 और 1 था और उसने आपको दे दिया 0.5. 0.5 एग्जिस्ट ही नहीं करता, राइट? तो आप क्या करोगे? उसका मतलब तो मशीन तो गुड और बैड शो ही नहीं करेगी ना. तो आउटपुट पे जो आउटपुट वाला जो कॉलम होता है उस पर कभी भी आप अप्लाई फंक्शन नहीं करते. ठीक है, यू जस्ट नीड टू डू इट फॉर द फीचर कॉलम्स. तो ए के लिए कर दिया, बी के लिए कर दिया, सी के लिए कर दिया, डी के लिए कर दिया. इन केस यू आर टेकिंग द एक्सेस वैल्यू 0 मीन्स यू आर अप्लाइंग नॉर्मलाइजेशन वर्टिकली. अगर आप नॉर्मलाइजेशन हॉरिजॉन्टली अप्लाई करोगे मतलब आप रोज के केस में जा रहे हैं. ठीक है, तो ये पूरा सेट लिया, इस पर कर दिया आउटपुट वाले को छोड़ के. ठीक है, फिर 1 वाले पे आए उस पर कर दिया, फिर 2 वाले पे आए उस पर कर दिया, फिर 3 वाले पे आए उस पर कर दिया. वैल्यू 1, 5, 6, 7, 6 और 100 थी. ठीक है, तो ये तो एक आपका वैसा ही डेटा हो गया ना जिसे हमने अभी नॉर्मलाइज किया था, एक 1D डेटा. ठीक है, तो इस पर तो करना आपने सीख ही लिया. बस आपको क्या करना है, जब बहुत बड़ा डेटा होगा तो उसमें डेटा फ्रेम का नाम दे देना. ठीक है, डोंट अप्लाई फंक्शन नेम. एक्स इज इक्वल 0, दैट इज अप टू यू अगर आप कॉलम वाइज कर रहे हो या फिर रो वाइज कर रहे हो. ठीक है, तो अगर आपने 0 ले लिया एक्स इज इक्वल्स, मतलब आप उसको कॉलम वाइज अप्लाई करो, दैट इज वर्टिकली. अगर आपने 1 ले लिया मीन्स यू आर डूइंग इट हॉरिजॉन्टली. फाइन, ये तो बात हो गई कि इसको अप्लाई कैसे करेंगे. अब अप्लाई करने से क्या होगा, आपका पूरा जो डेटा था उस पर आपका नॉर्मलाइजेशन अप्लाई हो गया, राइट? तो आपने अपने आउटपुट कॉलम को सेपरेट कर लिया था ए बी सी डी से, फिर इस वाले पूरे डेटा पे आपने अप्लाई कर दिया था नॉर्मलाइजेशन, राइट? अब इसको और इसको वापस मर्ज भी करना पड़ेगा. ठीक है, तो उसके लिए आपके पास एक फंक्शन होता है इंसर्ट फंक्शन, जिसकी हेल्प से आप अपने आउटपुट कॉलम को वापस अपने डेटा सेट में डाल सकते हैं. तो उसको करने के लिए आप क्या करते हो, यू डू इट लाइक दिस. अगेन द डेटा फ्रेम नेम डॉट इंसर्ट. ठीक है,
इसमें क्या करते हो, सबसे पहले तो आपको वो लोकेशन देनी होती है कि आपको वो कॉलम किस इंडेक्स पे करना है, जैसे ए बी सी डी ये था, ठीक है। अब मान लो आपको जो कॉलम है वो यहाँ पे इंसर्ट करना है, सो दिस इज एट इंडेक्स 0, दिस इज एट 1, दिस इज एट 2, दिस इज एट 3 एंड दिस इज एट 4, राइट। तो आपको फोर्थ पे इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पे 4 लिखोगे, ठीक है। फिर यू टेक द कॉलम नेम, सो यू राइट कॉलम इक्वल्स, कॉलम का नाम क्या लेना है आउटपुट, तो वो लिख दो यहाँ पे। और फिर उसके अंदर जो वैल्यूज आपको इंसर्ट करनी है, मतलब लेट्स से 0 1 0 1, ये आपकी एक सीरीज थी, लेट्स से दिस इज स्टोर इनसाइड पी, तो आप यहाँ पे पी लिख दोगे। कुछ भी नहीं करना, डी एफ डॉट इंसर्ट जिस लोकेशन पे करना है, जो कॉलम का नाम होगा उस कॉलम में जो जो वैल्यूज चाहेंगे सिर्फ आपको वो डिटेल्स देनी है। तो जो आपका ये जो नॉर्मलाइज वाला डेटा था इसमें जाके आउटपुट कॉलम एज इट इज इंसर्ट हो जाएगा एंड दिस विल बी योर कंप्लीट डेटा नाउ, राइट। ये जब हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे ना, अभी तो सिर्फ आप इस चीज़ को समझ रहे हैं, जब हम पूरा एक डेटा लेंगे उस पर हम ऑल यू नो विल अप्लाई ऑल द प्रिडिक्शंस एंड एवरीथिंग, उसके बाद जब हम डेटा नॉर्मलाइजेशन पे आएंगे तो आपको ये वाली चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी वहाँ पे, राइट। सो इस सेशन में हमने क्या डिस्कस किया है, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट डेटा नॉर्मलाइजेशन, ठीक है। अप्लाई हमें क्यों करना होता है, टू टेक द यू नो वैल्यूज इन द सेम रेंज, ठीक है, उसके लिए वी अप्लाई इट। सो आई जस्ट होप एवरीथिंग टिल हेयर इज क्लियर। सो इन द नेक्स्ट सेशन विल डिस्कस द नेक्स्ट टेक्निक, दैट इज ओवर सैम्पलिंग, डेटा प्रोसेसिंग की नेक्स्ट टेक्निक हमें ओवर सैम्पलिंग डिस्कस करनी है इन द नेक्स्ट सेशन, ठीक है। दिस इज अगेन इम्पोर्टेंट। इसमें हम क्या करते हैं बेसिकली, अगर जो आउटपुट है उसमें दो काइंड ऑफ वैल्यूज है, 0 एंड 1, इसके मान लो 500 सैम्पल्स हैं, इसके मान लो 60 सैम्पल्स हैं, तो इसको आपको इक्वेट करना होता है, मतलब ऐसे नहीं होना चाहिए कि इतना ज़्यादा डिफरेंस है, 500 450 होता तो चलता, राइट। बट वॉट वी डू इज वी विल एड मोर सैम्पल्स ऑफ वन थ्रू द ओवर सैम्पलिंग टेक्निक, सो विल लर्न इट इन द नेक्स्ट सेशन। आई जस्ट होप एवरीथिंग टिल डेटा नॉर्मलाइजेशन इज क्लियर टू यू, फाइन। सो दिस वॉज अबाउट दिस सेशन ऑल्सो। अभी जो आप कर रहे हैं एमएल कर रहे हैं, ठीक है, वी हैव लर्न अबाउट पाइथन हियर। अगर आपको पाइथन इन डिटेल सीखना है, सो ऑन द जेएफजी स्कूल चैनल वी हैव अ कंप्लीट वर्कशॉप ऑफ 10 डेज, ठीक है, जो कि ऑलरेडी डन है, तो आप वो विजिट कर सकते हैं, यू कैन डेफिनेटली सी दैट, ठीक है। वहाँ पे द मेंटोर पीयूष खंडेलवाल, उन्होंने बहुत अच्छे से सारी चीज़ें एक्सप्लेन की हुई हैं, ठीक है। अगर आपको गेम्स या फिर एप्स बनाने हैं या फिर यू वॉन्ट टू वर्क ऑन वेब डेवलपमेंट, तो उसके भी बहुत सारे लेक्चर्स हैं, यू कैन विजिट दैट एंड यू कैन हैव अ लुक ओवर दैम, ठीक है। बाकी जो आपके अगर यू वॉन्ट टू लर्न समथिंग लैंग्वेज बेस्ड, तो उसके लिए जेएफजी स्कूल की तरफ से बहुत सारे सॉरी जेएफजी की तरफ से बेसिकली बहुत सारे चैनल्स हैं। सो लाइक यू हैव द सी सी प्लस प्लस चैनल, यू हैव द पाइथन चैनल, जावा चैनल, जो स्पेशलाइजेशन मतलब आपको इन्हीं लैंग्वेजेस में प्रोवाइड करते हैं, सो यू कैन विजिट दैम, यू कैन हैव अ लुक ओवर दैम एंड इफ़ यू फाइंड द कंटेंट इंटरेस्टिंग यू कैन ऑब्वियसली सब्सक्राइब टू दैम, ठीक है, ताकि आपकी मतलब कोई भी वीडियोज़ वहाँ पर मिस ना हो। सो दिस वॉज अबाउट इट। अगर कोई भी डाउट्स होते हैं दैन जस्ट पुट दैम इन द कॉमेंट सेक्शन, आई रिजोल्व योर डाउट्स देयर ओनली। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड विल बी मीटिंग टू